आज तक डेरमा विधानसभा हो वहां केवल और केवल कोयला हो, यह डर से अखने चाहला कि जयराम महतो यहां नहीं आए। कहे कि जयराम महतो आएगा तो कोयला में सबको अधिकार का बात करेगा। आज बड़ा दुर्भाग्य के बात हो कि हम के दो चार को झारखंडी लोग, हमारे दो चार झारखंडी लोग देखे मीडिया में बोल रहे थे कि अनूप सिंह 1300 करोड़ का काम किया है, तो हम हो खोजा लग लिया की काम कर लाए। अनूप सिंह 1300 करोड़ का काम किया है, सही बात है, लेकिन उसमें से 900 करोड़ का ठीका अकेले अनिकेत सिंह को दिया है। 900 करोड़ अकेले अनिकेत सिंह यानी अपन साला को, 1300 करोड़ में अकेले 900 करोड़ का ठीका अनिकेत सिंह को दिया है। तो इसलिए अब एक बात बता, जब अगर नॉन मेट्रिक 1300 करोड़ का काम कराए सकल है तो हम भी कितना कराए सकल ये बस हटे जाएंगे। एकदम सीधा बात हो, अब बैरमा में कोयला चोर ना चलतो, बैरमा में माफिया ना चलतो, बैरमा में मेट्रिक फेल ना चलतो। बताओ तोहनी यहाँ सब पढ़ल लिखल हा कि नहीं, एमए पास, बीए पास, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, अब तोहनी एगो नॉन मेट्रिक मेट्रिक फेल के विधायक बने भा, वो कितना दूर तक सोचतो। इसलिए आज तमाम बैरमा के जनता से बोलबो कि इस बार बैरमा के सिंहासन हिलाए दहा, आधा झारखंड हिल जीत। अच्छा आज तोहनी के जानकारी, क्या आपको जानकारी है कि आज हेमंत सोरेन के सबसे खास कौन विधायक है? आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खास कौन विधायक है? अनूप सिंह। कहे मालूम है कि अनूप सिंह पढ़ा लिखा है इसलिए, कि अनूप सिंह बढ़िया दिखता है इसलिए, कि अनूप सिंह बढ़िया पहनता है इसलिए, नहीं, बैरमा में एक दिन में करोड़ का कोयला निकलता है इसलिए। इसलिए बैरमा यानी आधा साम्राज्य खत्म, बैरमा यानी अगर बैरमा में सही से काम भाई गए तोहनी के बतला चाहियो। आज तोहनी यहाँ इंटरनेट की सुविधा हो, आपके हाथों में मोबाइल है, आप मोबाइल में देखिए डीएमटी फंड सर्च कीजिए, केवल बोकारो जिला में 1000 करोड़ से ज्यादा डीएमटी फंड है। उस पैसा का खर्च कहाँ होता है? स्टेडियम, अनूप सिंह अपने लिए स्टेडियम बना रहा है, वो पैसा का खर्च होता है पार्क में, वो पैसा का खर्च होता है छोटा मोटा तालाब में। पैसा का खर्च होना चाहिए जनता की सुविधा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। इसलिए अगर हम लोग जीत के आते हैं तो डीएमटी फंड में एक भी रुपया का गड़बड़ी और गलत खर्च नहीं होने लगे। जहाँ 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 माइंस होता है, जहाँ जहाँ कंपनी होता है, वहाँ सीएसआर होता है। सीएसआर का मतलब होता है कि यदि कोई कंपनी जैसे सीसीएल, यदि सीसीएल 100 रुपया मुनाफा है, यदि सीसीएल का मुनाफा 100 रुपया है तो 2 रुपया उसको सीएसआर में खर्च करना होगा। सीएसआर का मतलब आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक की सुविधा के लिए। तो बैरमा में पैसा कमी रखा है, बैरमा में नियत के कमी है, और नियत के कमी कैसे नहीं रहता है, जब खुदे मैट्रिक फेल लगा तो कैसा नियत रहता है। इसलिए आज तमाम बैरमा के जनता जनार्दन से साफ साफ बोलबो कि आज, और एक बात आप बताइए, झारखंड राज अलग क्यों हुआ था? हम नारा देते हैं, लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड, तो लड़े किससे है? मर के लिया झारखंड, कौन मारा हमारे बाप दादा को? कट के लिया झारखंड, कौन काटा हमारे बाप दादा को? अरे यही लोग ना, अरे यही माफिया लोग ना। तीने को नारा झारखंड वासी जानते हैं कि लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। तो मेरा सवाल है, लड़े किससे? कट के लिया झारखंड, किसने काटा आपको?
मर के लिया झारखंड, किसने मारा आपको? यही अनूप सिंह और रविंदर पांडे की सोच के जैसे लोगों ने, इन्हीं सोच ऐसे ही सोच के लोगों ने हमें मारा, ऐसे ही सोच के लोगों ने हमें काटा है, ऐसे ही सोच के लोगों से हमने लड़ा है। लड़ के लिया मतलब क्या? किससे लड़े? पहाड़ से, दामोदर नदी से, गजार से, किससे लड़े? अनूप सिंह और रविंदर पांडे जैसे शख्स की सोच। हम रविंदर पांडे अनूप सिंह का नहीं, उनकी सोच, उनके जैसा सोच रखने वाले लोगों से लड़के हमने झारखंड लिया। और ताज्जुब की बात है, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक, ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। जिन लोगों ने काटा, जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने हमें लूटा, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक, ताज्जुब की बात है। कि गलत बोल रहे? बताइए किससे लड़ के लिया झारखंड? किससे लड़े? अंग्रेज से, अंग्रेज से भारत लड़े हैं, भारत की आजादी के लिए अंग्रेज से लड़े हैं। झारखंड किससे लड़े हैं? कर्नाटक से, महाराष्ट्र से। अनूप सिंह रविंदर पांडे की सोच जैसे लोगों से लड़ा है, और आज वही हमारी फोटो से राजा बन रहे हैं, बादशाह बन रहे हैं, और आज हम बीमारी से तिल तिल के मर रहे हैं। अरे तोनी नाम जाना, अपना भीड़ घर रखा ला, नाम नाम तोनी नामा तोनी नाम जो सब खाले दो जान रहे, तोनी नाम जाए आपस नाम जो ए नाम जो ना एक जिला नहीं था नाम जो कहे ले जा तोनी अकबकिया गाड़ी लगे ए दादा नाम जो ठीक है। दरिया में करंट न खाए आगो पीछे कहा कर रहे? अरे ठीक है यार, कोनी कहा ध्यान चल रहे? आराम से इधर फोड़ गाड़ी लगा तो नहीं। हेलो हेलो, किसी की बच्ची यहाँ पे रो रही है, पापा का नाम मिला? गाड़िया खड़ा कर राजेश, ठीक ठीक। राजेश किनकी बेटी है? स्टेज पे है, रो रही है, तब से लेते जाइए। अरे ओकरा हैंड कर उधर, अरे ओकरा हैंड कर, ठीक है खड़ा कर ले। घर में चढ़ना होगी यार, ये देता है ठीक है यार, हमारा कोई दिक्कत ना आता रहा। तो आज बस इसी विषय को सोचना है कि लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड, किससे? किससे? यही शोषण करने वाले लोगों से। इसलिए आज साफ साफ अनुरोध है, यदि झारखंड को बचाना है तो बैरमो से ऐसे लोगों को चुनाव से हराना है, तभी झारखंड और बैरमो आपका बचेगा। आज और एक बार यहां बहुत सारे लोग बाहर भीतर की बात करते हैं, हमारे बीच बहुत सारे उत्तर प्रदेश बिहार के भी भाई लोग आए हैं, यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात को। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये अनूप सिंह आपको केवल बाहर और भीतरी का वोट लेने का काम करता है। यदि 1300 करोड़ की बात करें और हम कहते हैं कि 75% झारखंडी का होगा, 25% में यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, उनको मिला के रखिए, हमको दिक्कत नहीं है। अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो 1300 करोड़ का 25% होता है 13×26 और 13×2 6.5, यानी 26 और 6.5 32, यानी 320 करोड़। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, बंगाल के लोगों को भी अगर जरा महतो जीत जाते हैं तो 1300 में 325 करोड़ आपको ठिक्का मिलेगा। हाँ, जो भी उत्तर प्रदेश, बंगाल, कलकत्ता, जहीं सभी मेरी बात सुन रहे हैं,
मैं आपको सर कहना चाहूंगा 75% झारखंडी के पास रहेगा, 25%। अब बताइए अनूप सिंह ने कितने लोगों को दिया है बताइए, ए विनोद दा कितने ठीक है यूपी बिहार के कितने अपना दोस्ती यारी छोड़ के अपना साला जीजा छोड़ के कितने लोगों को ठेका दिया है बताइए। ये सवाल मेरा उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश बंगाल के लोग जो बर्मा में रहते हैं खाते हैं व्यापार करते हैं उनसे है। इसलिए घबराइए नहीं, मैंने जो कहा है मैं अपनी बात पे कायम हूँ, 75% झारखंडियों का, 25% में बाकी लोग रहेंगे। उस हिसाब से 1300 करोड़ का 320 करोड़ के लगभग बनता है। और चूंकि बर्मा में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है जिला निदा, तो और समाज मुस्लिम समाज की आबादी सबसे ज्यादा है आजादा, हाँ अफसरदा, लेकिन आज हम मुस्लिम समाज से पूछेंगे कि आज आप 99% वोट अनूप सिंह को देते हैं, उनके पिताजी को दिए हैं, वो 1300 करोड़ का जो चल रहा है मार्केट में हवा, कितना ठिक्का आपको मिला है? जीरो, जीरो। आज मैं तमाम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से कहूंगा, आप डाटा उठाइए राजूदा, डाटा में कहता है कि प्रत्येक तीसरा या चौथा जो लड़का प्रदेश जाता है कमाने के लिए वो अल्पसंख्यक का बेटा होता है। डाटा ये भी कहता है कि प्रत्येक 45 दिन में 60 दिन में एक लड़का की डेड बॉडी आती है, हर एक चौथा लड़का अल्पसंख्यक होता है। आपके बच्चे सऊदी से मलेशिया से मर के घर वापस आते हैं, लेकिन आपको केवल बीजेपी के डर से करोड़ों की प्रॉपर्टी अनूप सिंह को देख के बैठे। यदि आप एक बढ़िया नेता चुनेंगे तो हमें लगता है अरे कम से कम 25% पलायन रुक जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन होगा, इस बार डर से वोट मत कीजिए, आपके बच्चे गैराज में नहीं कोलियरी में डीओ में भागीदारी हो उसके लिए वोट कीजिए। मैं आदिवासी समाज की भी एक बहुत बड़ी आबादी है बर्मा में, मैं एक लाइन आदिवासी समाज से जरूर पूछूंगा, आज गुरुजी जिंदा है उनसे जाके पूछिएगा कि गुरुजी आपने लाठी खाया है कि नहीं खाया है, आपने पुलिस का डंडा खाया है कि नहीं खाया है गुरुजी? गुरुजी बोलेंगे अनगिनत खाए हैं, तो फिर अनूप सिंह के बाबूजी रविंद्र पांडे कहे नहीं खाए हैं? रविंद्र पांडे 1991 से एमपी बन रहे हैं, राजेंद्र बाबू 1985 से एमएलए बन रहे हैं, हालांकि स्वर्गवासी है, उनको हम उनकी आत्मा को शांति मिले ये हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा सवाल है क्या उन्होंने झारखंड आंदोलन में एक भी लाठी खाई थी? नहीं खाई थी, क्योंकि लाठी मरवाने वाले लोग ये थे, झारखंड नहीं बनने देने वाले लोग ये थे, यही लोग थे जो झारखंड नहीं बनना देना चाहते थे। और आज आप इनको मजबूरी में वोट मत कीजिए। और एक बात, जिसके पास विजन नहीं है आप वैसे नेता से कैसे उम्मीद करेंगे बर्मा का विकास हो? अब आप कहेंगे कैसा विजन, एक बात एक लॉजिक आपको समझा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल बात आप समझिए, राजेंद्र बाबू 1985 से विधायक बने हैं, 1985 यानी आज से 40 साल पहले से। और मजेदार बात क्या है मालूम है, राजेंद्र बाबू 1985 से विधायक बनते आ रहे हैं, और मजेदार बात क्या है मालूम है, 1985 में ही अनूप सिंह का जन्म हुआ है। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यानी अनूप सिंह ने जन्म लेते ही अपने बाप को विधायक पाया, अनूप सिंह ने जन्म लेते ही अपने बाप को विधायक पाया, फिर भी अगर मैट्रिक पास नहीं कर सकता तो सोचिए कितना बेकार आदमी होगा। यदि वो गरीब का बच्चा होता हम समझते, यदि वो मजदूर का बेटा होता मैट्रिक फेल कर जाए हम समझते, अनूप सिंह पैदा होते ही विधायक की गोद में खेला है फिर भी मैट्रिक फेल हुआ है, कितना बेकार होगा आप समझ लीजिए। वो बेकार आदमी बर्मा को बढ़िया करेगा? पढ़े लिखे लोग बताइए, अरे विधायक की गोद में अनूप सिंह खेले हैं और फिर भी मैट्रिक फेल है। आप सोच सुनिए क्यों मैट्रिक फेल कहे हुआ, हमको
अपना एक्सपीरियंस हम सोच जो अपना दोस्ती यारी को देखते हैं, क्योंकि उसने जैसे ही अनुप सिंह का उम्र हुआ 15-16 साल मैट्रिक का उम्र, बोला बाप तो विधायक है, तो विधायक है तो विधायक का बेटा है रईस बाप का बिवरेल साहब ज्यादा खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे फूकेंगे यही लक्षण होगा, नहीं तो क्या कारण है विधायक का बेटा मैट्रिक पास नहीं किया है। और आप जो विधायक रहते उसी समय शायद हमको लगता है एक दो बार मंत्री भी बन गए हम मिलकर पिताजी, यानी विधायक का बेटा मैट्रिक पास नहीं किया, क्या विजन है उसका भाई? बाप विधायक रहते हो मैट्रिक पास नहीं करते तो क्या विजन है? और आप एक विजन लेस व्यक्ति को यहां से चुन के भेज रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्म की बात है। चूंकि आचार संहिता है और 10-5 मिनट का समय है, एसडीएम साहब लगातार फोन कर रहे हैं, उनके कानून का भी हालांकि सम्मान करते हैं रविंद्र पांडे जी, ये तो एक ऐसा शख्स है कि एसपी बन के 25 साल नौकरी किए, एसपी समझ रहे ना, एसपी यानी एक जिला में पुलिस का सबसे हेड को एसपी बोलते हैं, यानी बोकारो जिला में पुलिस का सबसे हेड कौन है? एसपी। एसपी बनके रविंदर पांडे 25 साल रहे, अब रिद्धर होगा बनने आए हैं बोल रहे काम करेंगे, एसपी बनके 25 साल रहे दरोगा बनने आए हैं हाई रेट, एसपी मतलब एमपी, एमपी बनके रहे 25 साल, 5 बार एमपी, दिल्ली में बैठते थे और आज एमएलए बनने आए हैं रांची, आप ही आप उम्मीद की है काम करेंगे। हाँ काम क्या क्या मालूम है? सूत्र बताते हैं, लोग बताते हैं, उनका 900 हाईवा चलता है, 900 हाईवा चलता है। चलिए ये लोगों ने कहा, मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूं, तो चाची से मैं हूं, वहां सतसीरा गांव का आधा जमीन अकेले रविंद्र पांडे खरीदा है, आधा गांव का जमीन, उसमें दून पब्लिक स्कूल बनाया है और एक अस्पताल बनने की तैयारी चल रही है, और दून पब्लिक स्कूल में नर्सरी का बच्चा का फिर 3,000 रुपया महीना है। आप कहते हैं हम गरीबी के खिलाफ है, आप कहते हैं हम बेरोजगारी के खिलाफ है, और आप रविंद्र पांडे और अनुप सिंह के साथ है, ये नहीं चलेगा। गरीबी के कारण रविंद्र पांडे है, गरीबी के कारण अनुप सिंह है, क्यों? गरीबी के कारण कैसे है? सिंपल बात, कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा अमीर होना ही हमारी गरीबी का कारण है। हमारे पास आज के लिए रोटी नहीं है और इनके फ्रिज में रोटी है, तो हमारे रोटी छीनने का कारण फ्रिज वाले हैं। हमारे पास फटा हुआ कपड़ा है और उनकी अलमारी में एक दर्जन कपड़ा है, तो हमारी फटे हुए कपड़े का कारण वो अलमारी में रखे हुए कपड़े हैं। वो कौन है? रविंद्र पांडे और अनुप सिंह। इसलिए अब झारखंड की जनमानस को तय करना है किस बार बैरमो का नेतृत्व कौन करेगा। आज मैं तमाम लोगों से कहूंगा, यदि जयराम महतो यहां से जीत के आते हैं, उन्होंने अकेले 900 करोड़ अपना साला साहब को ठिका दिया है और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वोट उनको सबका चाहिए, लेकिन कोयले की कमाई ट्रांसपोर्टिंग केवल अपना साला जीजा और भाई को देंगे। यदि जयराम महतो जीत के आते हैं तो 900 करोड़ ना सही, 9 करोड़ सिंह जी को भी मिलेगा जैसे विजय सिंह, 9 करोड़ पांडे जी को भी मिलेगा जैसे डिंपल चौबे दीदी, 9 करोड़ मुर्मू जी को भी मिलेगा जैसे निशा भगत दीदी, 9 करोड़ मुस्लिम को भी मिलेगा जैसे आरिज हुसैन अंसारी, 9 करोड़ तेली समाज को भी मिलेगा जैसे स्नेहा रानी, 9 करोड़ कोरी समाज को भी मिलेगा जैसे वर्मा जी, 9 करोड़ रवानी समाज को भी मिलेगा जैसे महादेव रवानी दा, 9 करोड़ मंडल समाज को भी मिलेगा जैसे उत्पल मंडल दा, 9 करोड़ लहरी समाज को भी मिलेगा जैसे रत्थू लहरी दा, 9 करोड़ यादव जी को भी मिलेगा विकास यादव जी, 9 करोड़ केवट समाज को मिलेगा, 9 करोड़ दास जी को मिलेगा, 9 करोड़ रजक जी को मिलेगा, 9 करोड़ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा, ये जयराम महतो का वचन है। 9 करोड़ सोरेन जी को मिलेगा, 9 करोड़ मुर्मू जी को मिलेगा, ये जयराम महतो का वचन है। 9 करोड़ प्रजापति को मिलेगा दीपक प्रजापति, 9 करोड़ चौहान जी को मिलेगा विनोद चौहान, हर एक वर्ग को मौका मिलेगा अगर जयराम महतो आते हैं, और 1300 करोड़ का ठिक्का मिलता है
तो 9 करोड़ 10 करोड़ करके हर एक वर्ग हर एक समाज सब में वितरण किया जाएगा। इसीलिए जयराम महतो राजनीति में आया है। गिरी जी को भी 9 करोड़ मिलेगा, सबको मिलेगा, चाहे वह स्वर्ण समाज से आए, पिछड़े समाज से आए, अल्पसंख्यक समाज से आए, हरिजन समाज से आए या अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज से आए, हर एक समाज को उनकी भागीदारी के अनुसार, उनकी आबादी के अनुसार ट्रांसपोर्ट में, डीओ में, आउटसोर्सिंग में, तमाम जगहों में भागीदारी दी जाएगी। अच्छा हम एक काम किए, महतो जी का बातें भूल गए ना, और हम खुदे हैं इसलिए ना, तो महतो समाज को भी 9 करोड़ मिलेगा। आ जाए महतो जिला परिषद, हाँ महतो यानी कुर्मी, हर एक वर्ग हर एक तबका, चाहे केवट समाज रहे, निशा समाज रहे, कोई रहे, सभी वर्ग, दास जी रहे, रजक जी रहे, रजवार जी रहे, घटवार समाज रहे, हर एक समाज को भागीदारी मिलेगा, ये आपको सुनिश्चित करके जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ 2029 में वोट मत दीजिएगा। यदि जयराम महतो के टाइम में अगर 1300 करोड़ का काम होता है और वो ठेकेदारी के माध्यम से ही होगा, वो 1300 करोड़ का ठेका हर एक वर्ग हर एक समाज हर एक तबके के बीच वितरित किया जाएगा। ये आपको वचन दिलाते हैं, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। वर्णमाल रहे चाहे कोई वर्ग रहे, हर एक वर्ग को भागीदारी देने का काम होगा, ये हमारा आपको वचन है। इसलिए आज तमाम बैरमो में उपस्थित, बस आप जान लीजिए, आपकी गरीबी का कारण अनूप सिंह रविंद्र पांडे जैसे लोग हैं, आपकी लाचारी का कारण अनूप सिंह रविंद्र पांडे जैसे लोग हैं, आपकी बेबसी, आपकी दुख, आपके इस हालात का कारण अनूप सिंह और रविंद्र पांडे जैसे लोग हैं, क्योंकि ये एक दिन में 1 करोड़ कमाते हैं, ये हजार वो हाईवा चलाते हैं, ये कम से कम 12 जिला में फ्लैट बना के रखे हैं, ये 12 जिला में मकान बना के रखे हैं। बताइए एक आदमी इतना कमाएगा तो किसका हिस्सा, वो किसका हिस्सा है? आपका हिस्सा है बैरमो वासियों। यदि आज भी आपका आंख नहीं खुलता है तो बार बार जयराम महतो नहीं आएगा, ये जिगर लेके तो नहीं आएगा, ये जिगर लेके बार बार नहीं आएगा। कहा कि आज अध्यक्ष ले कितना दुख के बाद हमने एक साथ थी, काल हमारा मारपीट करल गल, अभी जीतल न हो से इतना फूटा नहीं, तो सोच ए बगल में एक गांव हो, एगो लड़का अगर खाली सवाल पूछ ल कि 5 साल अपने क्या किया, घर हका के कान पकड़ के उठ बैठ करे, और हमारे से तो सवाल पूछना कितना पूछे। इसलिए आप स्कूल और हॉस्पिटल तो खाली डीएमटी फंड से सुधार देंगे, और रोजगार आउटसोर्सिंग और डीओ और ट्रांसपोर्ट से सुधारेंगे, रोजगार आउटसोर्सिंग डीओ और ट्रांसपोर्ट से सुधारेंगे, और स्कूल और कॉलेज डीएमटी फंड और सीएसआर के फंड से सुधारेंगे। ये आज बैरमो की ऐतिहासिक करगली मैदान में टाइगर का वचन है। चूंकि समय के अभाव है और चूंकि मैं बिजनेस क्लास बैरमो में, जेना मोड़ में, दुगदा में, चंद्रपुरा में, इसरी डुमरी, जहां जहां बिजनेस करने वाले लोग हैं, मैं आपसे कहूंगा, कुछ लोग जयराम महतो के जो खिलाफ है, विरोधी हैं, वो आपके मन में गलत तरीके का मैसेज डाल रहे हैं। मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, जो व्यवसायी वर्ग से आते हैं आप निश्चिंत रहें, अगर जयराम महतो जीत के आता है तो आपके सामने भी आपकी रक्षक और रक्षा कवच बन के, आपकी ढाल बन के खड़ा रहेगा। ये मैं व्यवसायी समाज को, मैं व्यवसायी वर्ग को वचन देना चाहूंगा, ये मेरा तमाम व्यवसायी वर्ग से वादा है, ये तमाम व्यवसायी वर्ग से मेरा ये वादा है कि मैं अगर जीत के जाता हूं, किसान मजदूर के साथ साथ छात्र नौजवान महिलाओं के साथ साथ व्यवसायी वर्ग की भी ढाल बनूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए ये लोग आपको गलत मैनिपुलेट करते हैं, मैंने गुस्सा जब भी दिखाया है गलत नीतियों के खिलाफ दिखाया है, जनता के लिए मैंने कभी मेरा ये व्यवहार नहीं रहा है। तो चूंकि समय के अभाव है, बाकी तो नहीं समझ गया, नंबर याद होना,
कितना? चार नंबर, नंबर चार छाप कैंची, तारीख 20, एकदम जोरदार तरीके से वोट करिया ताकि आवाज पूरा झारखंड सुना दे। और काल के बाद पूरा झारखंड के नजर बेरमो में हो। काल की हलम हलम हो ना, हमनी पार भेवाली अनुप सिंह पिछू से पार भेवाल भाई लोग का पुलिस बॉडी गार्ड हटो 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 धक्का दिए लगे हॉर्न सन 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 हॉर्न हम कहे सुन 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 प्यार से बोलता ले तो हमनी रास्ता दे देते। अब भूटानी बोती है ने तो तोर जो नेतवा हो वो विधायक कैंडिडेट लगो, हमें सीएम कैंडिडेट लगे, चल चुपचाप पीछू जो वीडियो देखा लगा कहलिए ये बंदूक से जरा महत्व के ना डरिया। अरे हम तो कोयल गाज ले हमारे बुढ़िया काट ले, हम कोयला माफिया लोग तो बोल रहे हैं कि लोग मेरा मुड़िया काट लो और बाद की भेतो ना बूझ लीजिए। ले हम तो बोल रहे हैं, अरे हमको चुनौती नहीं उनको निमंत्रण दे रहे हैं, हमारा गर्दन काट ले दिया ठीक है। तो बाकी सबके बहुत बहुत जोहार नमस्कार आदाब सलाम। आज जितना माए मौसी दीदी काकी सबके जोहार नमस्कार आदाब, जितना हमारे दादा भैया काका जेठा सबके नमस्कार जोहार आदाब, जितना मीडिया के साथी पत्रकार बंधु आप सभी को धन्यवाद जोहार, जितना भी सुरक्षा कर्मी पुलिस के जवान कोहनियों के धन्यवाद जोहार, तमाम बेरमो की जनता के धन्यवाद जोहार आभार। चूंकि 5 बजे तक हमने परमिशन हल 5:15 के टाइम तो सह खेर याद रखिया बेरमो जीत गल्हा आधा झारखंड जीत गल्हा, बेरमो जीत गल्हा आधा झारखंड जीत गल्हा। तो ठीक है सबके जोहार, कुछ बोल रही की।